Hello, adventure lovers, and welcome to A Man Behind the Making. This is your host, Vidushi. अगर आपका ये हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हु वी आर. Motorhome Adventures is a 25-year-old company and we specialize in caravan conversion. In fact, caravan ही नहीं, काफ़ी दूसरी टाइप की customization जैसे कि lounger, party bus, club on wheels, election rath और even food trucks. आपकी कोई भी customization या conversion की requirement है तो Motorhome Adventures हाजिर है. और उन्हीं कस्टमाइजेशंस को हम फीचर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे टू डिफरेंट सीरीज, जैसे कि रिवील, जिसमें आपको सिर्फ एक झलक देखने को मिलती है, एंड देन देयर इज वॉक थ्रू द कन्वर्जन, जिसमें मैं और आप उस कन्वर्जन को वॉक थ्रू करते हैं, एंड देन मैन बिहाइंड द मेकिंग, जिसमें आपके पूछे गए क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं एंड एड्रेस करते हैं, बट वी आर आवर मैन बिहाइंड द मेकिंग. And on that note, let's welcome the creator of Motorhome Adventures, Mr. Sanjay Saini. And Daddy, Daddy-o, or Papa for me. So, do you want to say something to the audience? Thanks everyone for your love and support, and we are really thankful to audience, especially those who really like the concept of caravans. So today's episode is going to be a coffee with the man behind the making, and we are going to head straight to the questions. Are you ready? Ready. Cheers. ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो ऑडियंस ने पूछा है, दैट इज़ कि हम इस छोटे कन्वर्जन के साथ, जो बोलेरो पिकअप कैंपर है, इस कन्वर्जन के साथ क्यों और कैसे, लाइक वी हाउ वी डिस्कवर्ड इट. जी, जो हमारे एक्स कस्टमर हैं मिनी कोलोसल के, उनका एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट था, जो हमने बड़ी गाड़ी उनको बना के दिया था, तो उसको कुछ लोकेशंस पे, कुछ एरियाज़ में उनको गाड़ी के साथ मैनूवर करने में दिक्कत होती थी, स्पेशली जब वो गाड़ी को अपना पार्क करते थे लखनऊ में घर पर, तो डिफ़िकल्टीज़ आती थी उसमें. वो गाड़ी को काफ़ी शार्प बेंड्स के अंदर में जो है वो एरिया में लेके नहीं जा सकते थे. तो ही सेड कि भाई हमें कुछ एक कॉम्पैक्ट गाड़ी बना के दो, जिसमें हमारी चार लोगों की फैमिली, 2+2 जो है हमारे फैमिली है, तो उसके लिए एक छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी बना के दी जाए. तो उसके लिए हमने उनको ओपिनियन दी कि भाई आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं, बुलेरो, और सिमिलर टू बुलेरो कोई भी और जो पिकअप ट्रक्स आते हैं, ज़ेनॉन हो गया, इसुज़ू हो गया, उन गाड़ियों पे, किसी भी के ऊपर भी आप ये बनवा सकते हैं. तो दे फाइनली टुक अ डिसीज़न ऑन कि हम लोग इसी के साथ में जाएंगे, तो इसलिए हमने उनको ये वाली गाड़ी बुलेरो पे बना के दी है. सो बिकॉज ऑफ द क्लाइंट हमने ये कंसेप्ट जो है क्रिएट किया. ओके, सो सेम क्वेश्चन ऑन अ सेम टैंजेंट इज़ कि इस कन्वर्जन में और जो हमने स्कॉर्पियो में कन्वर्जन किया है ऑलरेडी, उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली? इसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंस है. वो दैट इज़ बेसिकली अ कंप्लीट शेल विच इज़ माउंटेड ऑन द चेसिस, जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेसी है उसमें माउंट हुआ हुआ है, और ये जो बना हुआ है ये फ्लैट बेड पर बना हुआ है. इट्स बेसिकली अ डिटैचेबल सिस्टम which can be mounted with or you can change it with an any of other vehicle. अगर आप बोलेरो पे लेके जा रहे हैं, बोलेरो पे से आप दूसरा कल को दूसरा व्हीकल ऑप्ट करते हैं, सुजू करते हैं, या आप ज़ेनॉन लेते हैं, या एनी अदर सेगमेंट जो 4x4 सेगमेंट में आते हैं, तो उसके अंदर में आप फ्लैट बेड बना के इस वाले कॉन्सेप्ट को उसके ऊपर जो है माउंट कर सकते हैं. मतलब कि एग्जिस्टिंग जो फ्लैट बेड है उस पे, चाहे वो वेरियस काइंड ऑफ फ्लैट बेड्स हो, चाहे वो इसुज़ू की बेस व्हीकल हो, चाहे वो कोई भी बेस व्हीकल हो, उस शेल को हम हर एक पे अटैच, शेल मूव करेगा, बट फॉर द बेस वी हैव टू मेक अ फ्लैट बेड. ऑन दैट फ्लैट बेड द एंटायर कैरावन विल बी शिफ्टेड. ओके, सो वी हैव अनदर टैंजेंट वेयर इन द ऑडियंस मेंबर दे हैव आस्क्ड कि ये कन्वर्जन होता कैसे है, दो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन वॉक्स टू द कन्वर्जन. इफ यू हैवंट ऑलरेडी वॉच द एपिसोड, इट्स करंटली लाइव, बट आप काफ़ी बेटर तरीके से एक्सपीरियंस हैं और आप बेटर बता पाएंगे कि ये जो फ्लैट बेड शिफ्टिंग है, और लाइक हम कह रहे हैं कि इसको यूज़ करेंगे हम डिफरेंट वेरियस व्हीकल्स पे,
तो हाउ डज दिस मैकेनिज्म एक्चुअली वर्क? सी, जो फ्लैट बेड है इसको हम अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं. यूजली जो गाड़ियाँ आती हैं उसको हम डाला बोलते हैं या बेड एरिया बोलते हैं. वो एक स्पेसिफिक एरिए के लिए होता है, आप उस एरिया को यूज़ कर सकते हैं. हम उसके जो कंपनी का फिटेड जो ओरिजिनल डाला होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर फ्लैट एक पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, विच इज़ अगेन जो ऊपर का आपका जो एरिया है, सेम एज जो कंटेनर्स को हम लॉक करते हैं, सेम उसी टेक्नोलॉजी और उसी सिस्टम को हम जो है इसमें अप्लाई करा है. 4 इसमें टैग्स होते हैं, जो टैग पिन होती हैं उनको आप रिमूव करें और इसको पूरे कंप्लीट सिस्टम को आप डिटैच कर सकते हैं फ्लैट बेड से. अल्टीमेटली जो पिन्स हैं दोज आर देयर टू सिक्योर द होल सिस्टम, राइट? एंड जो बाकी जैसे हमने इसमें मैंने बताने की कोशिश की थी ऑडियंस को, बट अल्टीमेटली जो पिन्स हैं जो जैक लेवलर पे लगता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दैट? सी, जैक लेवलर इज टोटली अ डिफरेंट थिंग. जैक लेवलर जो है दोज आर बेसिकली, अगर आपने इस सिस्टम को पूरा कैरावन को उतारना है, जो आपका फ्लैट बेड एरिया है उससे उतारना है, तब उसके अंदर आपके जैक लेवलर्स लगेंगे. अदरवाइज इसके अंदर जो पिन्स लगाई हैं हमने, पिन्स आर बेसिकली टू होल्ड दी कंप्लीट शेल फर्मली, उसको ग्रिप करके उसके अंदर में पिन होके इंसर्ट हो जाती हैं और साइड में उसके डेड बोर्ड लग जाता है. तो दिस कैन नॉट मूव ऑन, जो आपका ऊपर का जो पोर्शन है यू कैन नॉट मूव अंटिल अनलेस यू रिमूव द पिन एंड देन ओनली यू कैन टेक दिस ऑफ. तो इन रिगार्ड्स विद दिस, समवन हैज आस्क्ड कि जो उनका पिकअप ट्रक है, अगर उनको ये कस्टमाइजेशन उस पर कराना है तो उनको क्या पीछे का जो पूरा डाला जिसे हम कहते हैं हिंदी में वो हटवाना पड़ेगा, और लाइक हाउ इट्स गोइंग टू गो? सो डिपेंड्स कि आपका वो जितने भी जो पिकअप ट्रक्स आते हैं, दीज आर ऑल चेसी बेस्ड ट्रक्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड चेसी के पीछे का जो बेड एरिया है दैट इज बेसिकली अ कंपनी फिटेड डाला. आपका डाला जो हम हिंदी में बोलते हैं बेसिकली अ बेड एरिया होता है. यूजली सबका साइज जो होता है वो 5x5 का है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो अभी तक मैंने देखे हैं और समझा है चीज़ों को. तो उस बेड को जो डाला है कंपनी का फिटेड डाला हम रिमूव कर देते हैं एंड वी क्रिएट और ओन उस पूरे जितना एरिया हमारे पास होता है उसके ऊपर एक हम अलग से कस्टमाइज करके एक फ्लैट बेड एरिया बनाते हैं, जिससे कि ये वाला सिस्टम आपको जैसा चाहिए जो एरिया चाहिए उसके हिसाब से इसको माउंट किया जा सके और इजी टू माउंट. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द व्हीकल इटसेल्फ, कि इसमें जो हमने एक्सटीरियर शेल क्रिएट करा है, जो एक नॉर्मल बोलेरो होता है उसमें ये शेल नहीं होता है, राइट? तो उस शेल के कारण क्या जो हमें गाड़ी, हमारा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है यूजुअली वो चेंज होगा? इफ यस और नो, लाइक व्हाई विल दैट हैपन? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस फील आप करेंगे, बिकॉज दीज व्हीकल्स आर बेसिकली बिल्ड फॉर अ रगड, यू नो, रगड कैरिंग करने के लिए. आप पेलोड जो है इसमें 2 टन तक का भी जो है, अगर आप लगभग मोस्टली व्हाट वी हैव सीन पीपल कैरी हैवी वेट्स ऑन इट, और ये गाड़ी के अंदर मैनूवर करने में आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी चेंज इन मैनूवरिंग द व्हीकल. मतलब जो एक नॉर्मल पर्सन बोलेरो ड्राइव कर रहे हैं टू दिस बोलेरो, कोई यूजर एक्सपीरियंस? दीज व्हीकल्स स्पेशली द बोलेरो पिकअप ट्रक इज मेंट फॉर टू कैरी अ हैवी वेट्स. ये 1 टन, 1.5 टन के पेलोड के हिसाब से बनी होती हैं गाड़ियाँ. तो जो हमने इसका वेट रखा है वो मिनिमम रखा है, और ड्राइविंग करने में मैंने खुद चला के इसका, क्यों, बिकॉज एवरी टाइम व्हाट आई डू इज बिफोर हैंडिंग ओवर द व्हीकल टू द क्लाइंट वी डू द टेस्टिंग एट आवर एंड, और उसको जितने मैक्सिमम गंदे तरीके से गाड़ी चलाई जा सकती है वी टेस्ट दैट, सो दैट लेटर ऑन जो है कोई कॉम्प्लिकेशन या चीज़ों की अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे एंड पे ही उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, क्लाइंट को डिलीवर करते समय दिक्कत ना आए. तो वी हैव टेस्टेड इट सारी अच्छे से, इस गाड़ी को जो हमने अच्छे से टेस्ट किया, आई डोंट थिंक सो बी इन एनी प्रॉब्लम. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज रिगार्डिंग स्लीपिंग इन दिस कैंपर. आपसे पूछा गया है कि क्या मैं इस कैरावान में चलते हुए, जब गाड़ी चल रही हो तब मैं सो सकता हूँ या नहीं? दैट इज व्हाट ही हैज आस्क्ड. सी विदुषी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये गाड़ी जो है वो 5-सीटर गाड़ी है, वेयर यू हैव अ सिटिंग अरेंजमेंट एट फ्रंट.
4+1 ड्राइवर एंड 4 पैसेंजर्स। तो बेसिकली जब कंपनी कोई भी अप्रूवल लेती है ARAI से या एज पर दी RTO नॉर्म्स, ये गाड़ी पिकअप ट्रक है। ट्रक का मतलब हो गया आपका पीछे का जो बेड एरिया है, दैट इज टू कैरी दी मटेरियल गुड्स, और यू कैन कैरी अ होम अवे होम ऑन व्हील्स। बट एज पर RTO नॉर्म्स, इट इज नॉट परमिसिबल दैट वन कैन स्लीप वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। वंस व्हेन द व्हीकल इज स्टेशनरी है, आप उसमें उस पूरे कैरावन का कॉन्सेप्ट को इंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप चलती हुई गाड़ी में करते हैं, बाय लॉ इट्स नॉट परमिटेबल। कल को कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, उसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सो प्लीज नेवर एवर यूज द व्हीकल और द रियर बेड एरिया व्हाइल व्हेन द व्हीकल इज ऑन मूव। स्टेशनरी होने के बाद आप यूज कीजिए। And again, we get same questions regarding food as well. It's very general. Ultimately, अगर आप food भी prepare करते हैं, let's say it's even permitted, अगर कोई prepare भी करता है, तो food cook करते हुए moving vehicle में spill होने के chances हैं। मान लीजिए, एक तो चलती गाड़ी में आप जो है कुछ भी liquid या कोई भी item है, उसको आप prepare नहीं कर सकते। चलिए prepare कर भी लिया, मैगी बना भी ली, but most of the time क्या होगा, वो spill करेगा while moving। बिकॉज आपकी रोड conditions इंडिया की इतनी अच्छी नहीं है, यूरोपियन और कैनेडियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड की, कि आप उसको यूज़ कर सकें। तो आई वॉन्ट एडवाइस कि गाड़ी के चलते समय आप कुछ खाने का आइटम, देखिए ड्राई आइटम्स वन कैन ईट, बट नॉट वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नॉट सपोज टू सिट एट बैक वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। So again, always remember that if you're renting this asset or this kind of asset, or if you're getting one customized for yourself, hamesha ye yaad rakhiye ki even though there's nobody to hold you accountable, but for your own safety, aapko peeche nahi baithna hai when the caravan is on the roll. Jab stationary hai, you can do anything as much as you want. So hamara next question hai regarding the AC. Someone has asked ki static AC jo hai, because we have told them ki auto AC works through the engine, aur jo static AC hota hai that works not through the engine but through other means. So unka question hai ki is gaadi mein static AC kaise chalega. Dekhiye, static AC is meant to run on the outsource power supply. There are two sources. One is the 230 volt outsource electricity, second is the genset. इस वाले कॉन्सेप्ट में क्लाइंट ने जेनसेट को ऑप्ट नहीं करा, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट नहीं था। जिन लोकेशंस और जहां पर वो जाते हैं, उनके पास आउटसोर्स पावर सप्लाई की जो है प्रोविजन अवेलेबल है, सो दैट्स व्हाई दे हैव नॉट ऑप्ट फॉर द जेनसेट आल्सो। टू शॉर्टन इट, रूम फॉर प्रोविजन ऑफ जेनसेट इज ऑलवेज देयर अगर आपको रिक्वायर्ड है। अगेन एज वी से, आवर कस्टमाइजेशंस आर टोटली सोलली एंड होली बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट क्या है। So because of that reason, that's not there. Now the next question is regarding, because we always say hamare conversions mein ki agar washroom ho to pura fully fledged washroom ho, nahi to na ho. So someone has asked ki aapne isme jo hamara PAV technology hai, pneumatic activation valve based technology hai, wo kyun nahi create kiya hai. See, ek choti gaadi ke andar mein sari cheeze aap open nahi kar sakte, aur inka client ka jo tha wo specifically unka ye kehna tha ki hum logo ne इसका जो यूज़ है हमारे को इतना बड़ा नहीं है, कि बिकॉज़ हमारे डिस्टेंसेस छोटे होंगे एंड ज़्यादा ज़रूरत उन्होंने फील नहीं करी। बट स्टिल वी हैव प्रोवाइडेड देम विद अ पोटा पोटी टॉयलेट, विच इज़ वेरी इजी टू यू नो क्लीन एंड टू फिल द फ्रेश वाटर एंड ऑल। सेकेंडली उसमें शॉवर एरिया भी दिया है हमने, बट दैट्स कॉम्पैक्ट। हर चीज़ हर एक उसके साथ में नहीं जा सकती, रीज़न बींग ये छोटी गाड़ी है। छोटी गाड़ी के अंदर में सारी चीज़ें एक बार में दे पाना कई बार मुश्किल भी होता है। बट अगर किसी को चाहिए तो यस, वी हैव अ ऑप्शन, वी कैन क्रिएट अ स्मॉलर वॉशरूम आल्सो। इस कंसेप्ट को बनाने में आपको क्या डिफिकल्टीज आई? एज सच इस गाड़ी को बनाने में खास कोई दिक्कत तो नहीं आई। कॉन्सेप्ट हमने पहले बना रखा है, क्योंकि हमने स्कॉर्पियो गेटवे में बनाया था, तो चीज़ और चीज़ों के बारे में पूरा नॉलेज थी हमारे पास। चैलेंज एक चीज़ का था कि हमें इस वेट को अंडर वेट रखना था, इसलिए हमने ये पूरा कंप्लीट शेल, इवन दी
फ्लैट बेड एरिया जो नीचे का बेस है और पूरा कंप्लीट जो शेल बनाया है वो पूरा एल्युमिनियम में बनाया है, तो कीप द वेट विद इन द परमिसेबल लिमिट। काफ़ी लाइट है गाड़ी चलाने में, मैंने खुद चला के देखी है गाड़ी, तो आई डोंट फील लाइक कि गाड़ी एक नॉर्मल किसी आदमी को भी दी जाए तो वो फील करेगा कि पीछे आपने एक डेड वेट लेके चल रहे हैं। वेरी लाइट व्हीकल, वेरी लाइट। एंड आई थिंक इवन बिकॉज ऑफ द कस्टमाइजेशन जो हमने एग्जिस्टिंग बेस व्हीकल पे किया है जैसे टायर्स वगैरह उनसे भी, टायर देखो टायर मेजर रोल करते हैं। कंपनी फिटेड अगर हम टायर लेके चलते तो मेरे को नहीं लगता कि गाड़ी जो है प्रॉपरली चल पाती, प्रॉब्ली वो गाड़ी टॉपल कर जाती। दैट्स द रीज़न हमने इसके अंदर ब्रॉडर टायर दिए हैं और एरोडायनामिक्स का हमने खासकर इसके अंदर ने ध्यान रखा है, सो दैट गाड़ी जब क्रॉस करती है दूसरी गाड़ी तो उसके एरोडायनामिक्स के जो है उसको डिस्टर्ब ना करें। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि आपका इस कैरवान में फेवरेट फीचर क्या है? सी, गाड़ी को जब आदमी बनाता है तो उसके लिए एक हर चीज़ हर एक गाड़ी के अंदर में एक फेवरेट फीचर होता है, बट एट द सेम टाइम एक क्रिएशन को करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इस छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी में आपने एक बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में चार लोगों के सोने का अरेंजमेंट पूरा दिया है। बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो तो हैं, किचन है, वॉशरूम है, पेंट्री है, फ्रिज है आपके पास, बट एट द सेम टाइम चार लोगों को आपको अकोमोडेट करना है। छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी के अंदर में आपने सारे घर के सुविधाएं पूरी दी हुई हैं। सो आई'ड से आपका फेवरेट फीचर है कि इसमें स्पेस बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। ओके, नाउ द फाइनल क्वेश्चन व्हिच वी गेट अ लॉट फॉर ईच एंड एवरी कस्टमाइजेशन दैट वी डू, दैट इज कि इसका प्राइस क्या है, प्राइस बता दो, व्हाट इज द प्राइस। सो अगर आपको जैसे वी नो जो कस्टमाइजेशन है वो डिफर करती है फ्रॉम वन टू अनदर, इवन इन दिस वन अगर कोई क्लाइंट आते हैं एंड दे से कि उन्हें इसमें कोई चीज़ कोई भी फीचर डिफरेंट रिक्वायर्ड है, तो दैट डिफर्स द कॉस्टिंग या वो कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क लेके आता है। बट इफ़ यू हैव टू से कि प्राइस क्या है फॉर दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन, सो प्लीज़ टेल देम। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड हर प्रोजेक्ट एक अपने प्राइस टैग के साथ चलता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट की क्या ज़रूरतें हैं। अब जैसे इस गाड़ी में पिछली गाड़ी के मुकाबले उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को बेयर मिनिमम रखा था कि हमारे को कंफर्ट जोन चाहिए वाइल ट्रैवलिंग, वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इसके अंदर में हमने जैसे पहली बार इंडिया में हमने इसके अंदर में बोलेरो में एयर बलून्स दिए जो कि नहीं होते, टू गिव इन ए कंफर्ट जोन। साथ के साथ प्राइस हर गाड़ी का अलग डिफर करता, क्योंकि ये गाड़ी एल्युमिनियम में बनाई है तो ऑब्वियस है कि कॉस्टिंग हमारी अप गई है, और स्टार्टिंग प्राइस आप कह सकते हैं इसे इस टाइप की गाड़ी बनाने के लिए आपको 14 लाख रुपए से स्टार्ट है। अभी आने वाले टाइम में आप और भी नए क्रिएशंस देखेंगे। Isuzu पे हम लोग गाड़ी बना रहे हैं, पिकअप पॉपअप कैंपर बना रहे हैं, और ऐसा ही नो मोर हिंट्स फॉर यू, ये आप 2022 में जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें देखेंगे, नो मोर स्नीक पीक। ओके, और भी हैं, मतलब गाड़ी का स्टार्टिंग अगर आप मान के चले तो 14 से लेके देन स्काई इज द लिमिट, मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि आप कितने में एंड करेंगे। गाड़ियाँ 30-40 लाख रुपए की भी बनती हैं और बन रही हैं। सो अल्टीमेटली जो आपका बजट है आप हमें वो बताइए, बेसिक प्राइस हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट इसमें क्या क्वालिटी आपको चाहिए, आपको क्वालिटी डेवलप करना है, आपको क्वालिटी रिमूव करना है, या आपको क्वालिटी थोड़ा लेसन अप करना है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज होता है। But the base price, you already know, it's starting from 14 lakh onwards. और इसी के साथ हमारा आज का मैन बिहाइंड द मेकिंग का एपिसोड एंड होता है यहीं पे। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस और मे बी अनदर कन्वर्जन तो आप कॉमेंट कर सकते हैं एंड वील ट्राई आर बेस्ट टू आंसर यू। और जितने भी कन्वर्जन्स के बारे में हमने बात करी है दोज विल ऑल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कुछ भी जैसे कि लाउंजर हो गया, इलेक्शन एक्सप्रेस हो गया, या कोई भी व्हीकल कस्टमाइज कराना है, इट कैन बी एज सिंपल एज हैविंग जस्ट सोफाज एंड बार लाइक सेटअप, और इट कैन बी एज डिफरेंट एज हैविंग अ प्ले रूम ऑन व्हील्स। आपको कुछ भी अगर कन्वर्जन कराना हो, सो मोटोम एडवेंचर्स इज ऑलवेज एट योर सर्विस। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम लोग काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जिनका एक का स्नीक पीक आपको मिल चुका है अभी। सो दैट इज़ ऑल, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग योर व्हीकल कन्वर्टेड, और इफ यू आर एट ऑल इंटरेस्टेड इन ट्रैवल एंड कैरवन वीडियोज़, एंड दैट इज़ इट। सो थैंक
thank you so much for coming by. Are you ready for the sign off? Yes. Motorhome Adventures, signing off. हो गया। नहीं थोड़े थोड़े, अरे नहीं थोड़ा, कुछ तो आज तो मैं आउट ऑफ फोकस कर रहा हूँ ना, समथिंग ना। चलो चीयर्स करते दोबारा, चीयर्स। तोड़ दे। चीयर्स से मैं इस बात आप लोग कुछ नहीं हंसी आराम से आराम। इतने सारे क्वेश्चंस लेक भी कौन देता है वीडियो में? दिया ना, उसमें बताना जरूरी था कभी हम ये भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये मुझे बम फोड़ना था जनवरी में, आपने अभी डाल दिया।